एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स जो अब तक हमने चीजें देखी हैं, हमें कोई क्वेरी, कोई सवाल ऐसा जो चीज जो के पूछना चाह रहे हो? तो हाँ, वो भी आज करते हैं इंशाल्लाह। आज हम जो आज फोकस होगा हमारा कॉन्फ्रेंसेस के लिहाज से, हमने डिटेल बात करनी है अब कुछ जर्नल्स के परस्पेक्टिव से, उनके क्वालिटी क्राइटेरिया के ऊपर आज हम फोकस करेंगे। नहीं ठीक है, वही वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह देख लेंगे। इसके अलावा कोई चीज़ ऐसी जो कि पूछने वाली हो, अगर कुछ हो, एनीथिंग एल्स? टॉपिक आपने टॉपिक अपना प्रेजेंट करना चाहोगे या क्या करेंगे आप? व्हाट्सएप पे आप मुझे भेज देना, मैं इधर आपको अपने सिस्टम पे खोल देता हूँ, आप प्रेजेंट कर दे आगे चीज। जी जो कुछ अच्छी मतलब आज कल जो होती है उनकी वो प्रोसीडियंस भी नहीं है लोकल मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज करा रही हैं आजकल रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ सवा भी नहीं कराई है अभी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन ठीक है, तो वो आपका क्या व्यू पॉइंट है, क्या ऐसा होना ठीक वो अच्छी कॉन्फ्रेंसेज नहीं है इस वजह से प्रोसीडियंस है? यही वजह है ना कि देखो वो अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस से जान छुड़ा रहे हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं रख रहे, तो ठीक नहीं है। इसका मतलब है देर इज गड़बड़, तो गड़बड़ वाली जगहों पे नहीं जाना चाहिए। तो कॉन्फ्रेंस की टिकट कैंडिडेट ही नहीं वैल्यू अगर हमने कर नहीं होगा। आप अपने सीवी में कहीं लिख सकते हो, लेकिन यह कि जब कोई उसको दूसरा देखेगा तो वो उसको इतनी कोई वैल्यू नहीं देगा। आप पे उसको आपकी यूनिवर्सिटीज हैं या आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी कोई वैल्यू नहीं देंगी आपको, कोई फंडिंग नहीं देंगी, कोई ट्रैवल एक्सपेंसेस नहीं देंगी। आप अपनी मर्जी से जाना चाहें चले जाएं। उससे शायद फायदा ये एक हो सकता है कि ऐसी जो एक किसी भी किस्म की कॉन्फ्रेंस होती है, वो आपको उसकी बेस पे कुछ लोग मुल्कों का वीजा मिल जाता है, क्योंकि वहां पे वो बिजनेस के परस्पेक्टिव से देखा जा रहा होता है। बट ये क्या अदरवाइज और कोई एकेडमिक फायदा उसका अशस नहीं है। उस हवाले से भी हाँ, आपका क्वेश्चन थोड़ा ये है कि से मेरा वो ये एक्सपीरियंस कोई देखना चाह रहा है कि मुझे रिसर्च पेपर लिखना आता है, तो आपने रिसर्च पेपर हो सकता है अच्छा लिखा हो, बेकार कॉन्फ्रेंस में जमा करा दिया, वो एक अलग बात है। तो अगर आपने रिसर्च पेपर लिखा हुआ है, तो वो तो जो वैल्यूएटर है वो तो ये देख रहा है कि इसने एक रिसर्च पेपर लिख के कहीं पे सबमिट किया है, तो वो आपसे सेकंड ये देखेगा कि ओके जी अच्छी कॉन्फ्रेंस नहीं है, आपसे आपका पेपर मंगवा लेगा कि जी क्या लिखा है, और खुद इवेल्यूएट कर लेगा कि इसने कुछ चीज़ें ठीक तरीके से लेके चला है कि नहीं, इसमें रिसर्च स्किल्स हैं कि नहीं है। बस अगर वो इस्टेब्लिश कर लेगा तो फिर शायद वो कॉन्फ्रेंस को क्रॉस कर देगा कि ठीक है जी इसको आता है कुछ ना कुछ करना, समझ रहे? बट इतना टाइम लोगों के पास नहीं होता ना। मेरे पास अगर 10 लोगों की सीवीज आई हैं और मैं उन्हें उनमें से एक मैंने सेलेक्ट करना है, या 100 की आई हैं, चलो मेरे पास 10 आई हैं जो ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज होती हैं, ज़्यादा अच्छे आई वुड से के टॉप नॉच लोग होते हैं, वो उनके पास हज़ारों में लोगों अप्रोच करते हैं, 10,000 में अप्रोच करते हैं, तो अब वो हर एक से तो नहीं कहेगा कि जी इसको फर्दर इवेल्यूएट तो नहीं करेगा, वो शुरू के बेंच मार्क्स पर डिसाइड कर लेगा। तो आप किसी भी देखेगा, हाँ जी पब्लिश, खुद भी शायद ना था कि किसी को यार कि ये फला फला जगह इसने पब्लिश की हुई है तो ओके, नहीं तो उसको निकाल दो। ओके जी, अभी अर्शद साहब ने मुझसे अपना शेयर कर लिया है, और आई हैव सीन सर्टेन पीपल, देयर आर 2 पीपल ऑन बोर्ड। अच्छा, जो ऑनलाइन लोग हैं आप में से
दोनों ने जो है वो प्रेजेंट किया हुआ अपना टाइटल, या अभी तक टाइटल का अप्रूवल नहीं लिया? ये टाइटल इज अप्रूव्ड? टाइटल अप्रूव हो गया, थोड़ा बहुत काम उस पर किए हैं, मैंने आपको ईमेल किया था। अच्छा, चले वो काम तो फिर बाद में देखा जाएगा, बट अभी फिलहाल यही स्टेज थी कि टाइटल अप्रूव आपका हो गया, तो दैट इज गुड। जी सर, हाँ जी सर। और फहीम साहब, आपका टॉपिक अप्रूव हो गया? आपकी आवाज आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, कैंडिडेट रिपीट कीजिएगा। जी फहीम एंड नुमान है, योर टॉपिक्स आर अप्रूव्ड। मैं आपकी प्रेजेंटेशन से अटैच करता हूँ, आप वहाँ के दायरे सर, टॉपिक सर, विच टॉपिक सर? पर। आप क्लास में आज पहली दफा आए हो या पहले अटेंड नहीं कर? सर, पहले भी पहले की है सर, जो लास्ट क्लास थी वो सर काइंडली थोड़ा सा एक्टिविटी ऐसी थी इधर, ऑफिशियली तो नहीं कर सका सर, वो लेक्चर भी आज सुनना था आपका लास्ट क्लास वाला। अच्छा, नहीं हमने फिर लास्ट लेक्चर में ना कुछ इनिशियली टाइम लगाया था लोगों के टॉपिक या टाइटल अप्रूवल्स के ऊपर, आपने फिर राइट वो सर, राइट सर। क्या इसका मतलब है, तो सर मैं अभी कर सकता हूँ सर उसको, टॉपिक अभी रिप्लेस आप कर सकता हूँ सर? अभी आप प्रेजेंटेशन जरा सुनिए ना, अर्शद साहब हमारी क्लास में वो प्रेजेंट करते हैं, तो आप देखें आपने अगर कोई चीज़ की हुई है उस तरह की तो दिखाइएगा। राइट सर, राइट सर। आइए अर्शद साहब, आप बताएं क्या बता रहे हैं। Present yourself and show it for you. Arshad Saab would like to present his title. हमारे हेलो, क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी है। वो भी डालो, मॉडल निकाला होता है, इसमें किसी प्रोजेक्ट को सक्सेस करने के लिए इस मॉडल का बड़ा गोल होता है। इसमें मैंने कोई 8-10 पेपर से डाउनलोड किए, मुझे रिसर्च गूगल स्कॉलर से और सर्च डेट से पाकिस्तानी थे, कुछ सर कम्प्लीटली डाउनलोड होंगे लेकिन कुछ नहीं हो सकते इस वेबसाइट पर इसका डाउनलोड। इसमें सर बेसिकली हमने प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रोसेस पे फोकस करना होता है, मेजोरिटी इसके प्रोसेस को हमें रिपीट करना है, वहाँ पर इतना रिपीट करना है कि उसकी एक ऑप्टिमाइज लेवल आ जाए सर। इसके कोई लिमिट नहीं है सर मेजोरिटी के, जिसमें हमने सबसे पहले इसकी इनिशिएटिंग करना होता है कि हमने बेसिक प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं, क्या चीज प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, फिर तो उसके अंदर जो प्रोसेस होते हैं उनको रिपीट करना होता है बार बार सर। रिपीट करने से होता है कि उससे रिपीट करने से रिफाइन हो जाती है, फिर उसको हमें डिफाइन भी करना होता है इस प्रोजेक्ट को कि उसको हम इसमें क्या क्या चीज हमने डिफाइन करनी है, इसको प्रोसीड करते हैं, इसमें क्या क्या स्टेप आएंगे सारे। और इसके बाद सर इसमें हम एक मैनेजमेंट का भी करते हैं सर, कि क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट की क्वांटिटीज क्या है, इसकी एक्चुअल क्वांटिटीज निकालने हैं, रिसोर्स निकालने हैं, और फिर ये सारी चीजें जब हम कर चुके होते हैं तो हम ऑप्टिमाइजेशन में भी पहुंच जाते हैं सर, उसका लास्ट लेवल सर। तो अभी सर से मैंने कुछ पेपर्स पढ़े हैं, सारे पेपर्स में कुछ में कुछ चीजें मिली हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, कोई ऐसा पेपर नहीं जिसमें कंप्लीट इस टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, तो उसमें से कुछ चीजें सर पढ़ के मैंने इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको ज्यादा से डिटेल में डिस्कस कर सकता हूँ। ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ सक्सेस फॉर अ प्रोजेक्ट बाय यूजिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैच्योरिटी मॉडल। टाइटल तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसमें ना कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही, क्या करना चाह रहे हो? वुड यू डेवलप सम मॉडल?
और वुड यू यूज सम मॉडल सर जो कि या वुड यू यूज सम टूल, यस सम तो कोई पेपर इनमें से जो इससे रिलेटेड हो जो आप बात करो। सर एग्जैक्टली मैं अभी मैं सबको इनको पढ़ते ना सर कुछ दो चार चीजें मैंने देखी थी जिसमें मेन जो इंसान का माइंड चीज थी वो थी सर लेवल्स कि मेजोरिटी लेवल्स कौन कौन सा लेवल्स अच्छा तो वो इनिशिएटिव था सर इसमें तो माइंड मैनेजमेंट था ठीक है, बट टाइटल आपने जिस तरह से बड़ा ना एक प्रोसेस स्पेसिफिक टाइटल लिखा है ना, तो वो जैसे लगता ही जैसे कि यू आर वेरी क्लियर कि क्या है, लेकिन आप क्लियर थोड़े से नहीं है। तो को टाइटल या तो आप ये कर सकते थे, अगर क्लियर नहीं थे तो किसी एक रिसर्च पेपर के टाइटल को ही अपना टाइटल डिफाइन कर लेते कि यही काम मैंने करना। सर वो मेरी टीम बनाई थी फिर मैं उन तीनों में से थोड़ा सा सोच लेकिन चलें, आप अगर इसमें कुछ जन मोटे तौर पे इट्स फाइन कि आप कुछ ऐसा मेच्योरिटी मॉडल देखना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे जो रिसर्च पेपर्स नजर आ रहे हैं वो कुछ थोड़ा सा और डिफिकल्ट पिक्चर देना चाह रहे हैं। जो आप कह रहे हैं शायद उस तरह की चीज़ तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत रिलेटेड भी है कि आप कुछ लेवल्स की बात कर रहे हो, ये भी मेच्योरिटी लेवल्स की कोई बात करेंगे इस पेपर के अंदर। तो देखिए, सबसे अच्छा तरीका ये होता है, इट इज़ फॉर एवरीबडी, कि अगर आपको कोई टाइटल एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा ना, तो आप किसी एक रिसर्च पेपर के टाइटल को ही लेके चल सकते हैं टू टू स्टार्ट विथ, एंड लेटर ऑन इट कैन आल्टर बेस्ड ऑन कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बट चूंकि हमने ये बात बड़ी की और बार बार की है कि जो हमारी रिसर्च है फॉर्मल रिसर्च है, इस रिसर्च में हमने फैक्ट्स फिगर्स को लेके चलना है, इस रिसर्च में हमने पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स की बात करनी है, जब भी बात करनी है किसी एक चीज़ को रेफर करना है, तो उन पहलुओं को देखते हुए आइदर वी हैव वेरी क्लियर आइडिया कि किधर काम करना है, या वी कैन देन डिसाइड ऑन सेलेक्टिंग वन रिसर्च पेपर विच वी इन द लैंग्वेज ऑफ रिसर्च कम्युनिटी वी कॉल इट द बेस लाइन रिसर्च पेपर। बेस लाइन रिसर्च पेपर, इट कुड बी अ कॉन्फ्रेंस पेपर, इट कुड बी अ जर्नल पेपर, इट कुड बी अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट एज वेल, प्रोवाइडेड कि उसको आप किसी रेप्यूटेबल कॉन्फ्रेंस या जर्नल में फिर पब्लिश कर सकें, या उस तरह की चीज़ें पब्लिश हुई हों। ठीक है, तो उसको लेके आप फिर बाद में वेरिएशंस ला सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और जो मैं यहाँ पे चूंकि बात हाईलाइट हुई है, तो मैं सबके लिए बता दूं कि थीसिस में और प्रोजेक्ट में ना एक डिफरेंस है। एक प्रोजेक्ट करने में और एक थीसिस करने में फ़र्क होता है। प्रोजेक्ट ये होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपसे कहती है कि यार ये काम है, ये डेस्क पुराने हो गए, नए डेस्क बना दो। ठीक है, तो आप एक प्रोसेस से गुजरोगे उसके अंदर भी कि आप रिसर्च करोगे, आप एक सॉर्ट ऑफ आप मार्केट देखोगे, आप प्राइसेस चेक करोगे, कोटेशंस लेंगे, लोगों के ऑनर लेवल को देखेंगे, अल्टीमेटली किसी एक ऑर्डर देंगे और वहां से बनवा के आप प्लेस कर दोगे। अब ये आपने काम एक पूरा कर लिया है, बट कैन नॉट बी अ थीसिस, ये थीसिस नहीं है। ऑल दो काम इसमें आपने सिमिलर किए हैं। थीसिस की स्टेजेस मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यू नीड टू सी द पब्लिश रिसर्च पेपर, डिफाइन द डोमेन एरिया प्रॉब्लम, और फिर अकॉर्डिंगली आप उसके फैक्ट्स फिगर्स देखते हैं, पब्लिश रिसर्च पेपर्स देखते हैं, उनके अंदर गैप्स फिगर आउट करते हैं, फिर आप अपने सोल्यूशन को प्रपोज करते हैं और सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। वो सोल्यूशन सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकता है, वो सोल्यूशन हार्डवेयर बेस्ड भी हो सकता है, और फिर उसकी एनालिसिस करते हैं। ये सारा प्रोसेस से गुजरते हैं ना, ये थीसिस है। इसकी कुछ चीज़ें प्रोजेक्ट में भी नजर आ रही हैं, लेकिन हमें और आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है कि प्रोजेक्ट इज समथिंग एल्स। ठीक है, मुझे यूएनडीपी ने कहा जी जाओ जाके सर्वे करो, एक बीमारी फैल रही है इस थरपारकर के अंदर, आप जाके वहां पे सर्वे करें, सर्वे करके वहां पे फला इंजेक्शन या मेडिकेशन जो है ना वो करके आ जाए। ये एक प्रोजेक्ट है, ये थीसिस नहीं है। इफ समबडी आस्क के जी मुझे ये थीसिस के तौर पर दे दें तो वो गलत है। तो बी वेरी ट्राई टू बी क्लियर, थोड़ा सा और टाइम के साथ चीज अच्छी हो जाती है, पता चल जाएगा आपको। मतलब इट इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एक्चुअल रिसर्च इज रिक्वायर्ड बाय द कम्युनिटी। यू गेट टू द पॉइंट्स, यू गेट टू द व्यूज, आप लोगों की बातें सुनते हैं पढ़ते हैं, तो आपको ऐसा ऐसा ना क्लैरिटी आती है कि यार एक्चुअली दुनिया चाहती क्या है। ठीक है, बहुत एक माइनर सा डिफरेंस है, बट प्रोजेक्ट में और रिसर्च करने में फर्क है। प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च की जाती है, लेकिन वो थीसिस की रिसर्च नहीं होती है, वो मार्केट्स मार्केट सर्वे होता है। सही है, तो जहां भी मार्केट सर्वे कर रहे हैं ना, वो थीसिस रिसर्च नहीं है। तो और अगर मैं थोड़ा और ब्रॉडली एक्सप्लेन करूं, तो ऐसा कोई काम जो कि शायद एग्जिस्ट नहीं करता हो, अगर मैं बिल्कुल ही एक्सट्रीम पे चला जाऊं। ऑल्दो मैंने शुरू में बात की थी कि कोई चीज़ पहली दफ़ा होती नहीं है, आप पहले लेक्चर में यही बात की थी, देर इज नथिंग विच इज डन फॉर द फर्स्ट टाइम, पीपल हैव डन इट लॉट ऑफ टाइम्स, बट अगेन वो जो तरीका उन्होंने फॉलो किया है उसी को हमने फॉलो करना है, तो वो रिसर्च है। ठीक है,
बट ये कि ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता और क्लियर आपको होंगी वंस यू विल ग्रो एंड लर्न मोर, स्टडी मोर इन दीज थिंग्स. थोड़ी सी एक आप कहें कि ग्रे लाइनिंग या ग्रे रीजन है इसमें, इसको समझना थोड़ा सा पड़ता है और फिर अकॉर्डिंगली वो चीज़ें सामने आती हैं. ठीक है, तो सही है, आप इसको लेके चलो और इम्प्रूव करो. थीसिस आप करना चाहते हो या नॉन थीसिस ऑप्शन पे काम करना? अच्छा ऐसा ठीक, चलें, करूंगा। सही सही, ठीक हो गया. जी फहीम, आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हो? फहीम अख्तर, कोई क्वेश्चन आपका, आपने हाथ खड़ा किया. अच्छा जी, नो क्वेश्चन. नोमान, कुछ एनीथिंग यू वुड लाइक टू से नाउ? अच्छा एक काम आपने करना है अर्शद साहब, ये जो आपने अभी समरी की एक बना रहे हैं ना, जो लेक्चर समरी का एक आप एक्सेल शीट बना रहे हो, इसी के अंदर आप ना प्रपोजल आई टाइटल डिफेंस का भी आप एक ऊपर हेडिंग डाल के, और जरा उसके सामने टिक कर दें कि किन किन लोगों ने टाइटल डिफेंस कर लिया है. यस कर दीजिएगा. ठीक है सर नोमान दिस साइड। सर वो माइक ऑन नहीं हो रहा था। जी जी सर, नुमान. मैंने टॉपिक देख लिया है, इस तरह मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी वो बना हुआ नहीं है। लेकिन मैं टॉपिक सर काइंडली आपसे डिस्कस कर लूँ जो मैं देना चाह रहा हूँ। आप थोड़ा सा ये करें ना कि जो जो भी आप काम करना चाह रहे हो उस पर कुछ रिसर्च पेपर्स आप इस वीक में देखो, और फिर हम इस वीक के राइट बाद सर, में आप मुझे अप्रोच कर लीजिएगा मोबाइल फोन पे, और पेपर्स शेयर कीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा. राइट सर, थैंक यू सर। सर ठीक है जी. राइट, अच्छा जी, और आप में से कोई इस वक्त, आपका नाम क्या है? मैं उमर. ठीक है उमर, आप कुछ बताना चाहोगे तो? अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, यू कैन टेक सम टाइम एंड वी कैन डिस्कस. जी आप कुछ, एक ही चीज़ है, डिसर्टेशन इज अनदर नेम ऑफ थीसिस. डिसर्टेशन इज डॉक्यूमेंट विच यू प्रिपेयर, थीसिस इज द प्रोसेस. कह ले हम, आप अपना एमएस का डिसर्टेशन जमा कराते हैं, पीएचडी का डिसर्टेशन जमा कराते हैं, तो उसको उस डॉक्यूमेंट को डिसर्टेशन कर, बट थीसिस करते हैं पूरा प्रोसेस जो है ना, रिसर्च प्रोसेस इज कंप्लीट थीसिस प्रोसेस, बट सिमिलर दोनों का नाम मतलब एक ही है. अच्छा जी, ओके, सो आप थोड़ी देर में करेंगे, लेट्स डिस्कस दी क्वालिटी क्राइटेरियाज फॉर दी जनरल पब्लिकेशंस. कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशंस में हमने डिटेल बात कर ली है. फहीम बताइए, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? फहीम की आवाज़ नहीं आ रही है. फहीम प्लीज चेक योर माइक, इट्स नॉट ऑडिबल. आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है. आई एम शेयरिंग अ प्रेजेंटेशन, तो अगर ये प्रेजेंटेशन आपने शेयर देख ली है तो नाउ विल टॉक ऑन दी पब्लिकेशंस विच आर रिलेटेड टू जर्नल्स. ये क्या है, इनमें किस तरह से चेकिंग चेक इन बैलेंस किस तरह करना है, और क्या इसके अंदर जो है ना वो क्वालिटी मीट्रिक्स यूज किए जाते हैं. सो वेन एवर वी कंप्लीट आर थीसिस वर्क, पब्लिकेशन की क्यों जाती है? पब्लिकेशन इसलिए की जाती है कि आपने काम किया, और हमारी ख्वाहिश होती है कि जब हम एक काम कर लें जिंदगी में तो उसको अनाउंस करें, बताएं. अल्लाह ने जब इंसान को बनाया ना, तो अल्लाह ने अनाउंस किया ना, बुलाया फरिश्तों को. तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ थिंग विच आर देयर इन आर जीन्स, या कहें कि हमारी एक तखलीक का हिस्सा भी है, कि इट इज जनरली फाउंड इन एवरी ह्यूमन बींग, के वेन एवर यू कम्प्लीट समथिंग यू वुड लाइक अदर्स टू सी इट विद अ पॉइंट ऑफ व्यू के दे शुड गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट, तो इसलिए हम लिखते हैं. तो रिसर्च के अंदर तीन फेजेज हैं आपके, एक में आपने पढ़ना है, पढ़ के आपने फिर कुछ काम करने हैं, काम करके कुछ लिखना है, उसी रिजल्ट्स को आपने लोगों को पहुंचाना है और उसको प्रेजेंट करना है. इनफैक्ट तो प्रेजेंटेशन जो है उसका ताल्लुक आपकी रीडिंग के अंदर भी बन जाता है, उसका ताल्लुक आपके राइटिंग के अंदर भी बन जाता है. बट वंस वी पब्लिश, तो पब्लिश करने का मकसद ये होता है कि आप नए और आइडियाज को, मेथड्स को लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, मे बी किसी पुराने काम को ठीक करना चाह रहे हैं, और अकॉर्डिंगली कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं. बट एक एम जो इसका प्राइमरी एम होता है पब्लिश करने का, वो कुछ इस तरह से है कि एवरी एवरी रिसर्चर हिज
और हर प्राइमरी एम इज नॉट ओनली टू डू रिसर्च बट अनदर वर्ड इज एसोसिएटेड विद दिस विच इज डेवलपमेंट। हम ये चाहते हैं कि जो काम हम पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, उसको हम किसी एक विजिबल फॉर्म में भी लेकर आए ताकि एक्चुअल आउटपुट्स उसकी आने शुरू हो। तो जब आपने डेवलपमेंट करनी है तो डेवलपमेंट के लिए तो आपको पैसा चाहिए होता है, खर्चा चाहिए होता है, फंडिंग चाहिए होती है। फंडिंग एजेंसीज जो है वो दुनिया में महदूद हैं, लिमिटेड हैं, और जो रिसर्चर्स हैं वो ज़्यादा हैं। फंडिंग बॉडीज़ अगर फंड करेंगी तो कुछ सिलेक्टेड लोगों को फंड करेंगी, और उनके पास जो क्राइटेरियाज हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी पब्लिकेशंस हैं, आपका रिसर्च वर्क है। सो व्हाट वी डू, द साइंटिस्ट, क्लिनिशियंस, रिसर्चर्स, दे पब्लिश एंड दे पब्लिश इन रेप्यूटेबल गुड कॉन्फ्रेंसेज, रेप्यूटेबल गुड जर्नल्स। अल्टीमेटली वो जब ये चीज़ करते हैं तो दैट हेल्प्स देम फॉर राइटिंग दी ग्रांट्स। ग्रांट राइटिंग इज अगेन सब्सिक्वेंट स्टेप ऑफ पेपर राइटिंग। अच्छा, जर्नल पेपर्स या कॉन्फ्रेंस पेपर आप तब लिखते हैं जब आपने थीसिस कर लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, या तो कोई प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, प्रोजेक्ट के अंदर से भी कुछ रिसर्च पेपर्स निकलते हैं। कोई प्रोजेक्ट का मतलब मेरा है कि एक रिसर्च प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कोई गवर्नमेंट से फंड हुआ हुआ है और उसके बाद आपने कोई काम कर लिया, करने के बाद आपने उसको पब्लिश किया, उसकी बेस पे अगली फंडिंग ली। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। पब्लिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप और पब्लिकेशंस आर फ्रॉम योर थीसिस। थीसिस के अंदर से एक दो तीन पब्लिकेशंस हो सकती हैं, मेजर पब्लिकेशंस वहां से निकलती हैं। सब्सिक्वेंटली रिसर्चर्स पर जाते हैं डेवलपमेंट साइड। ओके जी, मैंने डिग्री कर ली है, एमएस कर लिया, पीएचडी कर लिया, मुझे कुछ इंडस्ट्री के अंदर काम करना चाहिए, डेवलपमेंट करनी चाहिए। इंडस्ट्री नहीं भी है तो अपनी कोई फर्म खोलनी चाहिए, अपनी कोई कंपनी खोल के, और मैं उसके लिए फंडिंग ले सकता हूँ। मेरे पास हो सकता है 1 करोड़ रुपया हो, 10 करोड़ रुपये हो, लेकिन मुझे काम 10 अरब का करना है। एंड देर आर एजेंसीज विच गिव्स लोकल एंड इंटरनेशनल, जो कि हमें पैसे देने के लिए होती हैं। लोगों की सीएसआर कैंपेन्स भी होती हैं। इसके अलावा हर गवर्नमेंट जो है वो एक पैसा मुख्तस करती है। हमने इस पर एक लेक्चर में बात भी की है आरएनडी के ऊपर, जब आपने शुरू में मैंने कुछ स्लाइड्स दिखाई थी, मैंने आपको आरएनडी एक्सपेंडिचर्स दिखाए थे कि जी पाकिस्तानी जो जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक्सपेंड कर रही है और दुनिया में जो एक्सपेंड हो रहा है, खर्चा हो रहा है, वो उसमें फ़र्क क्या है। तो हर गवर्नमेंट जो स्पेंड करती है वो इसलिए करती है रिसर्च के ऊपर कि जॉब्स क्रिएट हों। जॉब्स ऐसे क्रिएट होंगे ना कि मैं और आप नए काम करेंगे, नई कंपनियां खोलेंगे, नए लोग हायर करेंगे, खुद भी पैसा लगाएंगे, कोई प्रोडक्ट्स बनाएंगे, वो लोगों को अच्छी लगेंगी, वो और खरीदेंगे, अकॉर्डिंगली एक मार्केट बनती चली जाएगी। और मे बी आज जो एक कमरे में एक काम शुरू हुआ है वो कल एक मल्टीनेशनल मल्टी बिलियन डॉलर्स काम हो जाए। दिस इज हाउ दुनिया चलती है, या लोग ऐसे उन्होंने तरक्की की है। तो अगेन मैं पीछे आ जाता हूँ कि जी पब्लिकेशंस करनी है, तो पब्लिकेशंस के बाद नेक्स्ट स्टेप है ग्रांट्स राइटिंग। ग्रांट राइटिंग या फंडिंग राइटिंग इज अगेन अ सिमिलर जॉब एज योर रिसर्च पेपर राइटिंग। इसी तरह का काम उसके अंदर करना होता है, एक्सेप्ट उसमें जो आप पैसा मांग रहे होते हैं और उसकी जो यूटिलाइजेशन शो कर रहे होते हैं वो कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जो उसमें आप कवर करते हैं। व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट के ग्रांट राइटिंग जो है, इसके लिए कुछ ग्रांट प्रपोजल सैंपल्स आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन। हमारे मुल्क में बहुत सारी एजेंसीज हैं जिसमें से एचईसी एक एजेंसी है। एचईसी इज प्राइमरली क्योंकि एक फोकल बॉडी है, दुनिया भर का पैसा एचईसी के पास आता है जब उन्होंने कोई डेवलपमेंट करानी हो। तो एचईसी के अंदर बहुत सारे फंडिंग ऑप्शंस हैं जिसमें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फंड है, लैब डेवलपमेंट फंड है, और यू विल फाइंड आउट अराउंड 10-12 के करीब फंडिंग ऑप्शंस हैं एचईसी के वेब पेज पे पड़े हुए हैं। गो एंड ओपन दैट एज एन असाइनमेंट एंड सी दी फंडिंग प्रपोजल्स डॉक्यूमेंट। उन्होंने आपको एक टेम्पलेट दिया होगा, ये टेम्पलेट फिल करें, ये टेम्पलेट फिल करें, ठीक है। आप वो जरा खोल के देखें कि क्या उसमें, और हमने जो एक रिसर्च थीसिस के कंटेंट्स देखे थे, जो रिसर्च प्रोसेस हमने पढ़ा था ना, रिसर्च प्रोसेस में हमने देखा था जी के इंट्रोडक्शन है, लिटरेचर रिव्यू है, मेथोडोलॉजी है, रिजल्ट्स डिस्कशंस हैं, कंक्लूजन हैं, रेफरेंसेज हैं, अपेंडिसेस हैं, वो एक प्रोसेस देखा था। व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू गो एंड सी अवेलेबल फंडिंग टेम्पलेट्स एंड कंपेयर इट विद दी थीसिस डॉक्यूमेंट। क्या फर्क है दोनों में, क्या ऐसी चीजें हैं जो कि एक फंडिंग प्रपोजल डॉक्यूमेंट में एक्स्ट्रा होती हैं, इधर नहीं होती हैं, क्या चीजें हैं जो सिमिलर हैं, एक कंपैरिजन ड्रॉ करें, थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। मैंने आपको एवेन्यूज बताए, एक एचईसी एक एवेन्यू है। एचईसी के अलावा पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के ऊपर आपको फंडिंग ऑप्शंस मिलेंगी, पीईसी के अंदर भी लिमिटेड लेवल पे मिलेंगी, बिल्कुल बहुत ज्यादा वो प्रमोट, उनका इतना ज्यादा इसमें फोकस नहीं है, लेकिन मिलेंगी बिल्कुल, उन पर भी मिलेंगी आपको। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज के ऊपर भी मिलेंगी।
आपके आईसीटी आरएनडी फंड एक है जो कि आईसीटी की टेक के ऊपर फंडिंग करता है प्रॉपर, एक पूरा एक आप समझें कि एक ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में बनी हुई है, वहां से भी आपको नजर आएगा। इसके अलावा नेशनल सेंटर्स हैं हमारे बहुत सारे, नेशनल सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर है, नेशनल सेंटर ऑफ डाटा साइंस है, नेशनल सेंटर ऑफ एआई है, ठीक है। एक पाकिस्तान का विजन 2025 है जो कि 2018 में गवर्नमेंट ने दिया था, और वो उसके तहत पूरे मुल्क में 5 नए डाटा सेंटर्स बनाए गए थे। नेशनल सेंटर फॉर एआई बनाया गया था, नेशनल सेंटर फॉर बिग डाटा बनाया गया था, नेशनल सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी बनाया गया था, और इस तरीके से कुछ और क्लाउड कंप्यूटिंग का एक डाटा सेंटर था। अगेन पॉइंट ए कि नेशनल सेंटर्स भी कुछ हैं, एक्सप्लोर करें कि व्हाट ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल विद यू, और वो राउंड द क्लॉक साल में फंडिंग ऑप्शंस फ्लोट करते हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एनीबडी कैन अप्लाई, राइट। लेटली अभी जो एक करंट गवर्नमेंट है पीडीएम, इन्होंने एक, अभी आपको याद होगा कि एक शायद टीवी पे किसी ने दिखा हो, जो अपना आइडिया लॉन्च करने का एक इन्होंने एक प्रोग्राम करवाया था जी, कि आप आए अपना आइडिया बताएं, आइडिया सेल करें, एंड विल गिव यू अराउंड 20 मिलियन रुपीज फॉर दैट प्रोजेक्ट। ये शुरू में थोड़ा सा हुआ था। तो पॉइंट ये है कि ये इस तरह की ऑप्शंस जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड अदर गवर्नमेंट, ये तो मैंने आपको पाकिस्तानी एवेन्यूज दिए ना, बहुत सारे और भी हैं। आपकी यूएस एड के बहुत सारे फंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अलावा आपके यूके की साइड से प्रोजेक्ट्स बहुत सारे फ्लोट होते रहते हैं, यूएन की तरफ से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स फ्लोट होते रहते हैं। तो देर आर मैनी एवेन्यूज, आर जॉब इज टू ट्रेस देम, ट्रैक देम, एंड देन अप्लाई अकॉर्डिंग टू आर सुटेबिलिटी ऑफ दैट रिक्वायरमेंट, क्योंकि हर प्रोजेक्ट फंडिंग की एक थीम होगी, तो वो थीम आपने फॉलो करनी होगी। अगर आप ऑलरेडी रिसर्च अपना एमएस थीसिस पीएचडी थीसिस उसके अंदर करते हुए आए हो, कोई कंपनी आपने ऐसी खोली हुई है जो कि उससे रिलेटेड है, तो आप उसमें अपने आप को लेके चल सकते हो। पॉइंट क्या ये, मैं वैसे बात फैल गई, मैंने ये डायग्राम को दिखाने का मकसद ये था कि जी ये जितने पेपर्स हैं ये आगे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं अगर रिसर्च पेपर पढ़ रहा हूँ लिख रहा हूँ तो उसका ताल्लुक अगले एक फेज से है जिसमें मैंने इन लोगों से पैसे लेने हैं। पैसे वो देगा मुझे जो कि मुझे ये समझेगा कि मैं इस काबिल हूँ। आप 6 लोग बैठे हुए हैं तो मैं, अगर मुझसे आप पैसे 6 के 6 मांगते हैं तो मैं कुछ सोच के किसी एक को पैसे दूंगा या 2 को दूंगा, ऐसे तो नहीं बांट दूंगा, फिर तो वो सदका हो गया ना। तो सदका तो नहीं करती कौम, दुनिया सदका तो नहीं करती, वो तो किसी मकसद के लिए पैसे देती है। तो अब अगर मैंने या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको पैसे देने हैं तो वो आपसे ग्रांट लिखवाएगी, जब आप लिखेंगे तो वो आपका सीवी चेक करेगी, आपके पब्लिकेशंस को चेक करेगी, एक स्टेब्लिश करेगी कि ये बंदा जो है इस काबिल है कि इसको पैसे दिए जाएं, तो ये मेरे काम को पूरा करेगा, फेल नहीं करेगा। तो अकॉर्डिंगली फंडिंग बॉडीज आपको एक साइकिल में लेके चलती हैं, और ये अगेन एक हर रिसर्चर का मेन एम यही होता है कि उसने डेवलपमेंट करनी होती है, तो डेवलपमेंट के लिए ये काम जरूरी है। अब अगर ये काम करना है तो अच्छी जगह पब्लिश करना है, बुरी जगह करेंगे तो आपको ये बॉडीज मुंह नहीं लगाएंगी, ठीक है, दे विल सिंपली रिजेक्ट योर आइडिया, क्योंकि दे विल सेंड योर प्रपोजल मल्टीपल रिव्यूअर्स, इंडस्ट्री से भी, एकेडमिया से भी, वहां से व्यू पॉइंट आएंगे जी के तो वीक पेपर, इसका पोर्टफोलियो ठीक नहीं है इस बंदे का, तो दे विल एक्सक्लूड यू, ठीक है। सो विद फहीम रिस्पेक्ट, सर, सर जी जी पूछिए फहीम बात कर रहा हूँ सर। जी, बताइए फहीम। सर सॉरी, वो पहले मेरा ऑडियो का इशू था, इस वजह से बात नहीं हो पाई थी सर। तो अभी मैंने दोबारा डिसज्वाइन करके और दोबारा रिज्वाइन किया, तो अभी सर ऑडियो इससे ओके सर। तो सर आई वांटेड टू शेयर माय टॉपिक सर, मेरा अभी टॉपिक रहता था सर आपसे शेयर करना। अच्छा चलें, अभी तो हम लेक्चर के थोड़ी देर एंड पे कहीं आपसे फिर एक दफा सुन लेंगे, ठीक है, लेक्चर चल सर रहा था अभी तो। सर 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 बस मैं काफ़ी देर से ट्राई कर रहा था, सॉरी सर वो हो नहीं पा रहा था सर। नहीं कोई बात नहीं, आप आपके अलावा एक और हमारी क्लास में भी एक स्टूडेंट है, उन्होंने भी प्रेजेंट करना है, तो हम बीच में जब एक ब्रेक करते हैं ना लेक्चर ये खत्म हो जाए, कंटेंट जो भी कवर कर रहे हैं, तो फिर मैं आपसे सुन लेता हूँ, सर 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 ठीक है, गिव मी अ शॉर्ट टाइम, थोड़ी सी देर बाद। अभी हम यस ज्यादा सर डिस्कशन कर रहे हैं ऑन दी जनरल पेपर्स, तो जैसे ही खत्म करते हैं तो वील कम ऑन टू दी प्रेजेंटेशंस ऑफ द क्लास, ठीक है जी, ओके। सो अब जब पब्लिश करना है तो ये एक मैंने एक एडिटर का एक छोटा सा स्टेटमेंट यहाँ पे साइट की हुई है, दिस एडिटर नेम इज माव बायर एंड ही इज द एडिटर ऑफ रिमोट सेंसिंग ऑफ एनवायरमेंट, ये एक जर्नल का नाम है, जर्नल का नाम है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि इसको मैं बात करूं, हम जर्नल के बारे में बात भी कर लेते हैं कि जर्नल होता क्या है, कॉन्फ्रेंस और जर्नल में फर्क क्या है, ठीक है। तो जर्नल ऐसी, हर वो ऐसी फोरम
जो कि पीरियोडिकली आपके आर्टिकल्स को पब्लिश कर रहा हो। जर्नल्स में प्रेजेंटेशंस नहीं होती हैं, बट दे आस्क फॉर दी आर्टिकल्स फ्रॉम दी ऑथर्स एंड देन दे विल पास इट थ्रू अ रिव्यू प्रोसेस, जिसमें दे असाइन योर पेपर टू एन एडिटर, दैट एडिटर असाइन्स योर पेपर टू फर्दर 5 to 7 रिव्यूज, एंड दोज रिव्यूअर्स देन सबमिट देयर डिसीजन एंड पॉइंट्स बेस्ड ऑन देयर सबमिटेड रिव्यूज। द एडिटर विल देन गिव यू डिसीजन आइदर एक्सेप्ट और एक्सेप्ट विद माइनर रिविजन, या इसको हम एक और नाम देते हैं रीसबमिट विद माइनर रिविजन और रीसबमिट विद मेजर रिविजन और रिजेक्ट। मोस्टली ये 4 डिसीजंस जर्नल्स में किए जाते हैं। और जर्नल्स होते क्या हैं? जर्नल्स हर वो फोरम है जो पीरियोडिकली पब्लिश कर रहा है, उनका एक इश्यू पब्लिश होता है साल में 2 दफा, साल में 6 दफा, साल में 12 दफा। सो एनी पीरियोडिकल पब्लिकेशन, पीरियोडिकल फोरम इज कॉल्ड अ जर्नल। लाइक आपका आपका जंग अखबार है या डॉन अखबार है, इसका एक इश्यू डेली आता है। तो डॉन प्रिंसिपली स्पीकिंग इज अ जर्नल बाय डेफिनेशन। एनी न्यूज़पेपर, आप अगर लाइब्रेरी में जाएं उसे कहें जी मैंने 2005 का सितंबर 25 का इश्यू निकाल पढ़ना है, तो वो आपको कहेगा जी मेरा एक वॉल्यूम है जिसका जो 2005 के वॉल्यूम, उसने वॉल्यूम्स में अपना डाटा रखा हुआ होगा, एक 2005 का वॉल्यूम है उसका इश्यू नंबर 51 पड़ा होगा, उसको जाके सर्च कर ले। तो एवरी जर्नल इज जनरली अरेंज इन वॉल्यूम्स, आफ्टर अ ईयर वो सारे इश्यूज एक वॉल्यूम बन जाते हैं, अगले साल नया वॉल्यूम बन जाता है। अकॉर्डिंगली इस तरीके से इश्यूज आ रहे हैं और इश्यूज के वॉल्यूम्स बन रहे हैं और ये पीरियोडिकली पब्लिश हो रहे हैं। अब ये डेली भी हो सकता है, ये महीने बाद भी हो सकते हैं। लाइक आपका जो मैग है, डॉन ही पब्लिश करता है मैग, या अखबार जहां जो है, अखबार जहां हर हफ्ते आता है, हर हफ्ते बाद एक इशू आता है, तो उनके साल में 52 इशू आते हैं, ठीक है, तो वो भी एक एक जर्नल है। बट ये थोड़े से आप कहें कि वो फिक्शनल एवेन्यूज हैं या कहें कि नॉन एकेडमिक एवेन्यूज हैं। इसी तरीके से एकेडमिक एवेन्यूज पे हम चले जाएं तो जर्नल्स हैं वो इस तरह से पब्लिश होते हैं, उनको हम नाम देते हैं। वो ये नहीं कि साल में कोई एक कॉन्फ्रेंस टाइप कोई एक्टिविटी हो रही है, लोगों को जमा कर रहे हैं और वहां पे वो प्रेजेंटेशंस हो रही है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। वो आपसे टेक्निकल कंटेंट मांगेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे और उसके अपने एक इशू में पब्लिश कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक प्रोसेस चल पड़ता है और जर्नल्स हैं जो कि 2-2 साल से पब्लिश हो रहे हैं, ठीक है। तो जर्नल्स के ऊपर हम एक मैं स्पेसिफिक एक वेबसाइट खोल के भी आपको दिखाता हूँ। पहले तो यहाँ पे आपको कोरियर करनी पड़ती थी चीज़ें जर्नल्स के अंदर फॉर रिव्यू प्रोसेस, अब चीज़ें आसान हो गई हैं, आप इनकी ऑनलाइन वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे अपना पेपर सबमिट करते हैं, वो फिर एक प्रोसेस है वो गुजरता है और आपको इंटीमेशन ईमेल्स के थ्रू आ जाती है, ठीक है जी। कोई सवाल है? इशू और वॉल्यूम का थोड़ा सा क्लियर करने एक ईयर के अंदर इशू के अंदर वॉल्यूम तो नहीं, एक वॉल्यूम जो है ना वो इश्यूज से मिलके बनता है। लाइक एक जर्नल जो के साल में 12 दफा पब्लिश हो रहा है ना, साल में 12 इश्यूज आएंगे उसके, वो 12 इश्यूज एक वॉल्यूम बन जाएंगे जो कि उस साल का वॉल्यूम नंबर 1 हो जाएगा। से अगर जर्नल शुरू हुआ है 2023 में, पिछले साल शुरू हुआ, तो 23 में 12 इश्यूज उसके आ गए, जनवरी में वो अपना एक वॉल्यूम बना लेगा जी कि मेरा पहला वॉल्यूम 1 जो है उसमें 12 इश्यूज थे, और वो अब वो 24 के वॉल्यूम नंबर 2 पे आ जाएगा, इसके अपने इश्यूज शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यू विल फाइंड आउट के जर्नल्स इतने इतने पुराने भी हैं कि उसका 70वां वॉल्यूम भी है, किसी का 200वां वॉल्यूम भी है। सो दैट दैट इंडिकेट्स द हिस्टोरिकल नेचर ऑफ दैट फोरम के वो कितने अरसे से काम कर रहा है, ठीक है। लेट मी ओपन अ वेब पेज फॉर फॉर एनी जर्नल एंड देन वी कैन फर्दर इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग ऑन दी ऑन दी जर्नल्स। तो मैं से इधर अल्सवेयर का एक जर्नल है कंप्यूटर नेटवर्क्स के नाम से, मैंने आपको कुछ बड़े बड़े फोरम्स ऑलरेडी बताए हुए हैं कि ये फोरम्स हैं जो कि पब्लिशर हैं, तो पब्लिशर्स जो है वो जर्नल्स भी पब्लिश करते हैं, वो कॉन्फ्रेंसिस भी कराते हैं। अल्सवेयर इज अ बिग नेम, एल्सवेयर इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेम आई वुड से, ठीक है। तो एल्सवेयर के बहुत सारे जर्नल्स हैं जो पब्लिश करते हैं, उनमें से एक जर्नल जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क्स। लेट मी शेयर विद द क्लास ऑफ अदर जी। ऑनलाइन ये आपको अभी एक वेब पेज विजिबल होगा, आई थिंक विजिबल हो रहा है आपको।
जी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स जिबरान नोमान विजिबल है सर। विजिबल है, ठीक है। अच्छा जी ओके। सो अब देखें इस जर्नल के ये इसका नाम अगर इसको आप विजिबल आई एम श्योर सबको है, तो ये कंप्यूटर नेटवर्क्स इसका नाम है और ये पब्लिशर इसका एल्सवेयर है और इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। राइट साइड पे आप देखते हो इसका एक इम्पैक्ट फैक्टर नजर आ रहा होगा आपको, 4.4 इज द इम्पैक्ट फैक्टर। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये मुझे बता रहा है कि जी अगर ये आपको विजिबल हो रहा हो, क्योंकि अभी हम ये देखेंगे थोड़ी देर में। दिस इज वन ऑफ द बेंचमार्क परफॉर्मेंस मीट्रिक फॉर एनी जर्नल, दैट इज द इम्पैक्ट फैक्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट फेमस कह लें आप। इम्पैक्ट फैक्टर मेजर्स द एवरेज नंबर ऑफ साइटेशंस रिसीव्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर बाय पेपर्स पब्लिश्ड इन द जर्नल ड्यूरिंग द टू प्रीसीडिंग ईयर्स। 2023 जर्नल साइटेशन रिपोर्ट जो आई है और वो जो पब्लिश की है वो क्लैरिवेट एनालिटिक्स ने पब्लिश की है 2024 में। क्या समझ आया मायरस से आपको? सर एक पिछले जो 2 साल का टेन्योर है उसके अंदर हर पेपर का एवरेज जो मान लेते हैं तो और एवरेज बेस पे एक प्रतिदिन साइट। और से अभी ये जो इधर डाटा दिया हुआ है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? 23 और 24 क्या बता रहे हैं? इससे अगर रिलेट करो तो क्या मतलब है? मतलब हर पेपर जो है वो 4.2 का साइट पिछले 2 सालों के अंदर जितने पेपर आए ठीक हैं है, ये तो आपने, अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, ये तो आपने उस 4.4 को एक्सप्लेन कर दिया। अगर फर्दर आगे जाएं और ये इसमें फिगर आउट करेंगे कि ये जो उसने लिखा हुआ है क्लैरिवेट एनालिटिक्स 2024, इससे ये पता चल रहा है कि ये इम्पैक्ट फैक्टर दिया गया है 24 के अंदर, 2024 के अंदर ये वैल्यू आई है। इसको देने वाली जो कॉम थी, वो जो ऑर्गेनाइजेशन थी, वो क्लैरिवेट एनालिटिक्स थी। क्लैरिवेट एनालिटिक्स इज दी एजेंसी विच गिव्स इम्पैक्ट फैक्टर एंड क्लैरिवेट एनालिटिक्स इंटरेस्टिंगली डज नॉट फॉल अंडर एल्सवेयर। दिस इज दी वेब ऑफ साइंस। वेब ऑफ साइंस एक और प्लेटफॉर्म है जो कि अलग ऑर्गेनाइजेशन डील करती है और वो क्लैरिवेट एनालिटिक्स वाले इटसेल्फ है। वो हम उस पर भी डिस्कस करते हैं कि वेब ऑफ साइंस और एल्सवेयर का एक सर्च इंजन है जिसको हम नाम देते हैं स्कोपस, दोनों में फर्क है। बट जो इम्पैक्ट फैक्टर है ये एक बहुत ही पॉपुलर मीट्रिक है जो कि क्लैरिवेट एनालिटिक्स देता है ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ वेब ऑफ साइंस। वेब ऑफ साइंस पर और बहुत सारी चीज़ें भी हैं बट ये वहां से एक्सट्रैक्ट हुआ हुआ है। 2024 में ये आया है, अभी 2024 चल रहा है ना, तो ये वैल्यूज हर जर्नल के वेब पेज पे अगस्त में कहीं आई हैं। इट मींस कि ऑर्गेनाइजेशन ने 24 स्टार्ट हुए तो 8 महीने, अभी 10वां महीना चल रहा है ना, तो तकरीबन 8 महीने लिए हैं टू कैलकुलेट दिस पैरामीटर। 8 मंथ्स दे टुक टू कैलकुलेट दिस पैरामीटर। कैलकुलेट कैसे किया होगा? 24 में आया है और जो डेफिनेशन कहती है कि जी ये साइटेशंस टोटल करते हैं पेपर्स की उन 2 सालों की जो के पिछले 2 सालों तीसरे साल में उनको साइट किया गया हो। यानी इसको अगर यहाँ पर आप रिलेट करो तो 23 में साइटेशंस आई होंगी 2023 में, 20 और 21 और 22 के पेपर्स, 21 और 22 में जो पेपर इस जर्नल ने पब्लिश किए उनको 23 में लोगों ने साइट किया होगा। पुराने पेपर्स भी साइट हुए होंगे, पेपर तो यहाँ पे पिछले 50 साल से पब्लिश हो रहे हैं, तो 18 के भी साइट हुए होंगे, 17 के भी साइट हुए होंगे, मे बी 1990 के भी साइट हुए होंगे, लेकिन उन्होंने एक्सट्रैक्ट किए होंगे वो सारे पेपर जो कि 21-22 में पब्लिश हुए और फिर उनको 23 में साइट किया गया। एंड दे स्टार्टेड दिस प्रोसेस फ्रॉम जनवरी 2024, टुक अराउंड 8 मंथ्स, कंप्यूटेड दोज वैल्यूज के जी साइट्स इतने हुए, पेपर इतने हैं, और फॉर्मूला स्टेट्स नंबर ऑफ साइटेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स। सो 21-22 में अगर से 400 आर्टिकल पब्लिश हुए तो वो डिनोमिनेटर में चला गया, और चूंकि 4.4 इम्पैक्ट फैक्टर, इट मीन्स 400 ज़रब 4, 1600 तकरीबन साइटेशंस आई हैं उनकी 23 के अंदर, 2023 के अंदर। तो 1600 बटा 400 गिव्स यू एन आंसर ऑफ अराउंड 4, विच दे टुक टाइम ऑफ 8 मंथ्स टू गिव दिस डाटा फॉर अराउंड 70,000 जर्नल्स ऑफ द वर्ल्ड। मेरी बात का पहले ही क्लियर कर लेना तब आप थोड़ा सा, दुनिया भर में हर जर्नल इनको अप्रोच करता है, इनके पास इंडेक्स होता है, क्लैरिवेट के पास इनका क्राइटेरिया है, वो इंडेक्सेशन के बाद 3 साल तक वो पब्लिश करता रहता है, तीसरे साल में उसको इम्पैक्ट फैक्टर मिलता है, ठीक है। और जनरली स्पीकिंग दुनिया के 70 से 80 हज़ार जर्नल्स जो हैं उनको ये इम्पैक्ट फैक्टर देते हैं, और अराउंड इतने ही जर्नल इनके पास इंडेक्स भी होते हैं, यानी ऑलमोस्ट 14-15 लाख जर्नल्स इंडेक्स्ड होते हैं, उनमें से कुछ
कुछ जर्नल्स को इम्पैक्ट फैक्टर मिलता है क्योंकि हर एक को साइटेशंस नहीं मिलती, राइट? थोड़ी और डिटेल आगे हम डिस्कस करते हैं, बट जस्ट टू क्लोज कि इम्पैक्ट फैक्टर इनफैक्ट है क्या चीज। आप सवाल आपका पहले जी, क्या कह रहे हो? जो 400 आर्टिकल आपने कहा कि डिनोमिनेटर में आते हैं, मैंने ये कहा कि फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ साइटेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो आर्टिकल पूछना चाह रहा था कि वो उस रेलेवेंट फील्ड को किस तरह में ये देखते हैं कि इस रेलेवेंट फील्ड के इतने आर्टिकल या सर रेलेवेंट टोटल फील्ड का ताल्लुक नहीं है ना इसमें तो, सर आर्टिकल। जनरल है इम्पैक्ट फैक्टर्स जो है वो फील्ड के लिहाज से नहीं होता। राइट, अब ये जनरल का अपना एक फील्ड है, आपने वो देखे, इसका स्कोप अगर आप देखो तो इसका स्कोप में उसने मेंशन किया हुआ है कि यहाँ क्या क्या आर्टिकल, क्या क्या चीज पब्लिश होती है। ये अबाउट जनरल थिंग, ये देख व्यू फुल एम्स एंड स्कोप। आपके सवाल का जवाब यहाँ पे है, ये कह रहा है कि जी इट्स एन आर्काइवल जर्नल प्रोवाइडिंग अ पब्लिकेशन व्हीकल फॉर कंप्लीट कवरेज ऑफ ऑल टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट टू दोज इन्वॉल्व्ड इन द कंप्यूटर कम्युनिकेशंस नेटवर्किंग एरिया। तो यहाँ पेपर पब्लिश ही इस एरिया के होंगे और इससे रिलेटेड होंगे। अब चूंकि दुनिया हो गई है मल्टी डिसिप्लिनरी, तो इसमें एआई के टॉप, एआई के पेपर्स भी होंगे, इसमें हो सकता है हार्डवेयर डिजाइन के भी हो, इसमें चिप डिजाइन के भी हो, लेकिन उनका ताल्लुक बन रहा होगा कंप्यूटर कम्युनिकेशन के साथ। सही, नीचे उसने टॉपिक्स भी डिफाइन किए, कम्युनिकेशन नेटवर्क आर्किटेक्चर्स, इसमें कुछ चीजें हैं, प्रोटोकॉल।